नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भले गौ वंशों को लेकर प्रदेश के जिला प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए हैं। संबंधित मंत्रालय से आदेश भी पारित हो चुका है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन न करने पर आज मैहर और पहाड़ी के बीच तमश नदी के पास गौ वंशों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया है। लोगों ने घटना की जानकारी पूर्व विभाग संयोजक बजरंग दल महेश तिवारी और पूर्व नगर संयोजक पिंटू चौरसिया को दी है। श्री महेश तिवारी ने डॉक्टर श्री द्विवेदी से बात कर बचे हुए घायल गौ वंशों के उपचार हेतु मौके में पहुंचने की अपील की है। वही जिला प्रशासन से आग्रह किया है NHAI के जवाबदारों को निर्देशित करे ताकि मृत गौ वंशों को भूमि के अंदर दफनाया जा सके। ये कुछ जानवर यहाँ पर किसी ट्रक वाले ने रात में 12-1 बजे के टाइम पर ये तमस नदी मैहर में ठोक के चले गए हैं, जिसमें से 10-12 जानवर यहाँ पर पड़े हुए हैं रोड में, जिसमें से 9-10 जानवर ख़त्म हो चुके हैं और ये 1-2 जानवर घायल हुए हैं। हमारा निवेदन है कि शासन इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन जानवरों जो भी अभी घायल हैं इनको ठीक किया जाए और इनको जो भी ख़त्म हो चुके हैं इनको थोड़ा साइड में करवाया जाए ताकि ये जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप भी देख सकते हैं मैहर ज़िले में इस तरह प्रॉब्लम जा रही है। धन्यवाद। जय श्री राम।